रोचक अब नहीं रहे. द रीजन फॉर दैट इज, और उसका कारण यह है, फॉर द लॉर्ड हैज नॉट टेकन देम अलोंग द लाइन ऑफ देयर ओन डिजायर्स इन मेनी थिंग्स, कि प्रभु ने उनकी इच्छाओं के अनुसार बहुत सी वस्तुओं में उनको नहीं लिया. आई वुड से दिस अगेन, मैं इसको दोबारा कहूंगा, बिकॉज द लॉर्ड हैज नॉट टेकन देम अलोंग द लाइन ऑफ देयर ओन डिजायर्स, क्योंकि प्रभु ने उनको नहीं दिया क्यों उनके हृदयों की खुद की इच्छा के अनुसार. The Lord did not take them along the line of their expectation. और जो वो आशा करते थे प्रभु से, प्रभु ने उनको उन आशाओं के अनुसार. The Lord did not take them along the line of their ambitions. और उनकी जो अभिलाषाएं थी, प्रभु ने उनको उन अभिलाषाओं के अनुसार नहीं लिया. But has frustrated all those desires and expectations and ambitions again and again. और बार बार उनकी जो इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, उनको दबा दिया गया. If you are there in that place this morning, और यदि आप उस स्थान में आज सुबह हैं, I want you to try to recognize with me, और मैं चाहूंगा कि आप प्रयास करके इस बात को मेरे the साथ seriousness of the crisis of that kind of position that you are, कि जिस संकट में आप हैं उसकी गंभीरता कितनी है. My dear brother and sister in the Lord, प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहन, whoever you may be, चाहे कोई भी आप क्यों ना हो, if you are in that particular state and condition, और यदि आप उस प्रकार की विशेष परिस्थिति में हैं, right now, इस समय, in some measure, किसी हद तक, how you are going to respond to his word in these gatherings are crucial for you. कि उसके वचन का प्रति उत्तर आप किस प्रकार से देंगे इन सभाओं के अंदर, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. For God is bringing you to a place in Him where you may register with Him that this is the time of the Lord for your life. कि परमेश्वर आपको एक ऐसे स्थान में ला रहा है और आपके अंदर इस बात को समो रहा है कि यही वो समय है प्रभु का आपके जीवन के. It is time for you to stand up. ये समय आपके लिए है कि अब आप खड़े हो जाएं. And to seek the Lord. और प्रभु को खोजें. And to trust Him. और उस पर भरोसा रखें. With fresh and new commitments to the Lord. एक नए और ताजा समर्पण के साथ प्रभु के लिए. And to come into a new confidence that the Lord alone can bring out of that commitment even this day. और इस पूरे संतुष्टि के साथ एक आश्वासन में आ जाए कि प्रभु आज आपको उसमें से निकालेगा. Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों. And it's my prayer that those ears would hear and respond to God without fail. और मेरी प्रार्थना यह है कि वो कान सुनेंगे और अपना प्रतिउत्तर परमेश्वर को देंगे बिना किसी भय के. This is one side of the story. और जबकि कहानी का एक पहलू यह है, that the Lord had not taken you along the line of your desire and expectation and ambition. कि परमेश्वर ने आपको आपकी इच्छाओं, आपकी जो आशाएं थी और अभिलाषाएं थी उसके अनुसार नहीं लिया. And has frustrated that again and again and again. और बार बार आपकी वो इच्छाएं जो थी उनको दबा दिया गया. As far as God is concerned, जहां तक परमेश्वर का संबंध है, so far as His ways are concerned, और जहां तक कि उसके मार्गों का संबंध है, His ways are concerned with you, उसके मार्ग आपसे संबंधित है, they were calculated ones, और उनको नापतोल कर रखा गया था. They were calculated to undermine all your confidence in yourself. और वो इसलिए नाप तोल कर रखे गए थे कि आपका आश्वासन जो आपके खुद के अंदर है, yes, उसको खत्म कर दिया जाए. To undermine
your confidence in yourself. आपका जो अपना आत्मविश्वास में आश्वासन है उसको खत्म किया जाए. It was so calculated a move and a work of God. और ये परमेश्वर का एक नपा तुला एक कार्य था. It has been a move of God's love and purpose in your life. और वो परमेश्वर के लिए चलने का एक उद्देश्य था और उसका प्रेम था आपके जीवन में. It is that same love that saved you and brought you to Himself. और यही वो प्रेम था जिसने आपको बचाया और उस आपको उस तक लाया. It is that same love that preserved you from that day onwards. और ये वही प्रेम था जिसने आपको उस दिन से सुरक्षित रखा. It is the same love that opened your eyes to see that there is a purpose of God governing your life. और ये वही प्रेम था जिसने आपकी आंखें खोली कि आप देखें कि परमेश्वर का एक उद्देश्य आपके ऊपर नियंत्रण किए हुए है. It's the same love which did that. और वही प्रेम था जिसने सब कार्य किए. In your life and mine. आपके और मेरे जीवन में. And also he is doing it in his great love because he wants to accomplish what he has called you into in your life. और ये कार्य वो अपने उस महान प्रेम में कर रहा है. Yes. क्योंकि वो चाहता है कि आप और मैं उसकी योजना में आ जाएं. So may we take this word seriously. और इसलिए brothers and sisters, भाइयों और बहनों इस वचन को बहुत ही गंभीरता से ले. If you have lost that flame, और यदि वो शोला हमने खो दिया, you have lost that warmth, और उसकी गर्माइश खो दी, you have lost that zeal, और वो जोश खो दिया है, and it's no more the same desire and interest you had at one time within you, और आपकी वो इच्छा और वो जोश एक समय में जो आपके अंदर था अब नहीं है. Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, God is in need of men and women of stature. परमेश्वर की आवश्यकता है कि उसके पास ऐसे पुरुष और महिलाएं हों जो कि उसके डील डाल करें. A need is going to rise in His kingdom. और वो आवश्यकता उसके राज्य में खड़े होने वाली है. He is going to be in need of them, as we have seen in the book of First Chronicles 12. और जैसे कि पहला इतिहास और उसके बारहवें अध्याय में हमने देखा कि उसे आवश्यकता है. And he wants you to be part of that. और वो चाहता है कि आप उसमें भाग लें. Who will turn the kingdom? जो के राज्य को पलट दे. As we read in the book of Revelation, जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमने पढ़ा, the kingdoms of men shall become the kingdoms of God and His Christ. और मनुष्यों के जो राज हैं, वो परमेश्वर के राज्य और उसके मसीह के राज हो जाएंगे. God is going to be in need of men and women of stature who would do that work in and through His Spirit. परमेश्वर को ऐसे मनुष्यों की महिला और पुरुषों की आवश्यकता है जो इस ऐसे डील डॉल के हों और जो इस राज्य को आत्मा के द्वारा. And I don't think that ordinary Christian life that we see around can ever do that. और मैं नहीं समझता कि वो साधारण मसीह जीवन जो अपने चारों ओर हम देखते हैं वो कभी ऐसा कर पाएंगे. Ordinary Christian resources could never do that. और वो साधारण मसीह स्रोत जो थे वो कभी इसको कर नहीं सकते. As we read in First Chronicles 12, और जैसे पहला इतिहास और बारहवें अध्याय में पढ़ते हैं, they are men who could use both hands in their warfare. और वो ऐसे लोग थे जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग उस युद्ध में कर सकते. They are trained and disciplined men of the seasoned men in this wilderness to battle. और वो ऐसे प्रशिक्षित लोग थे जिनको सिखाया गया था और माहिर थे और उस मौसम के अनुसार वो कार्य कर सकते थे. Therefore, saints, this ordinary Christian resource that we find today all around, they will not meet God's need in an hour like that. और इसलिए वो साधारण मसीह स्रोत जो हम चारों ओर देखते हैं वो उस समय परमेश्वर की आवश्यकता को पूरा नहीं करेंगे. Don't you see that even in the life and example of David? और क्या आप दाऊद और उसके जीवन और उद्धार में नहीं देखते? And in the camp of Saul. और सौल के कैंप में there were tall men
who were trained in the camp of Saul. और सॉल के उस शिविर में ऐसे ऊंचे कद के लोग थे जिन्हें प्रशिक्षित किया गया था. But those resources and those people could never be a match to the Goliath. परंतु वो स्रोत जो थे वो कभी भी गोलायत से मुकाबला नहीं कर सकते. It could never meet that need. और वो आवश्यकता वो पूरी नहीं कर सकते थे. But God had a man of another stature raised up. परंतु परमेश्वर के पास एक व्यक्ति था जो कि दूसरे डेल डॉल का था. Where was this young lad raised up? और ये छोटा लड़का कहाँ था जो In the wilderness again. और वो जंगल बयाबान में था. That's where he was prepared. और वहीं पर उसको तैयार किया Saint गया था. परमेश्वर के प्रिय लोगों, That ordinary Christian life, that ordinary Christian resources would not measure up to that need in that hour. God knows that. परमेश्वर ये जानता है कि वो साधारण स्रोत जो मसीहत के हैं, वो परमेश्वर की आवश्यकता पर उसकी आवश्यकता को पूरा नहीं करते. That volunteer force would never be able to overcome the Midianites. As we see in the book of Gideon, और गिडियन की, you know, in the book of Judges, in the life of Gideon, और न्यायों की पुस्तक में जैसे हम देखते हैं कि गिडियन के जीवन के अंदर उस प्रकार के लोग परमेश्वर की उस आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएंगे. It's not going to be a match in that day, saints of God. और उस दिन उनका कोई मेल नहीं हो पाएगा. God is not looking for volunteers today. और परमेश्वर volunteers को नहीं देखना चाहते. But God is looking for men and women who will give themselves to the lordship of the Lord in this wilderness in their lives. परंतु परमेश्वर ऐसे महिलाओं और पुरुषों को देखता है जो अपने आप को परमेश्वर की तैयारी और कार्य के लिए इस जंगल बयाबान में दे देंगे कि वो तैयार किए जाएं. That which is ordinary, that which is just we see around, it's not going to meet God's need. May we realize this. और इस बात को हम ज्ञात कर लें कि वो जो साधारण है जो वो परमेश्वर की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते. It is already failing. और पहले से ही वो नाकाम हो रहे हैं. Therefore, I would say to all of us, do not look at the lives of other believers. और इसलिए मैं ये हम सबों से कहता हूँ कि दूसरे विश्वासी जनों के जीवनों को ना देखें. I want to say to the younger generation in the house of God. और परमेश्वर के भवन में मैं युवा पीढ़ी से बात करूंगा. I want to talk to the second generation in the house of God. और वो दूसरी पीढ़ी जो परमेश्वर की भवन के अंदर है, मैं उनसे बात करता हूँ. At other believers. और दूसरे विश्वासी जनों को ना देखें. Don't look at other churches. दूसरी कलीसियाओं को ना देखें. You have been raised up in an environment like this. और आप एक ऐसे वातावरण में उठाए गए हैं. You know, and you have been kept here with a purpose. और यहाँ पर आपको रखा गया क्योंकि एक उद्देश्य है उसमें. And you are not to look unto others and try to follow their ways and their philosophies. और आपने दूसरों को देखकर उनके मार्गों का अनुसरण नहीं करना, उनके फलसफे में नहीं जाना. I want to say that I have a great burden for the second generation in the midst of us. और मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरी पीढ़ी के जो युवा हमारे बीच में हैं, उनके लिए एक बड़ा बोझ है. A great burden in my spirit for our children. और हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ मेरी आत्मा पर है. You know, you had the rarest of privileges in your life. और बहुत ही कम ऐसे सुंदर अवसर हमारे जीवनों में प्राप्त हैं. You know, which many do not have. जो कि बहुतों को नहीं मिले. Even which I did not have. जो कि मुझे भी प्राप्त नहीं हुए. I keep telling my children this. और मैं अपने बच्चों को ये कहता रहता हूँ. My father was not a believer. और मेरा पिता एक विश्वासी जन नहीं था. Neither was my mother a believer. और ना ही मेरी माता एक विश्वासी थी. But you have the privilege. परंतु तुम्हारे पास ये सुंदर अवसर है. To have a mother and father who are believers. क्या आपके माता और पिता ऐसे हैं जो कि विश्वासी हैं? Who could show you the way of the Lord? जो कि प्रभु का मार्ग आपको दर्शन कर सकते हैं. Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों. I don't want to go too deep into that. मैं इसमें बहुत गहरा नहीं जाना चाहता. But I just shared in passing my burden. क्योंकि अपने बोझ को बताने के लिए मैंने ये बातें कही. So we are not to compare ourselves with others. और हमने अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी. David never did that. In his life, दाऊद ने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया. For he knew that he has an anointing for a purpose. क्योंकि वो जानता था कि उसके पास एक अभिषेकता है एक उद्देश्य के अनुसार. He confined himself, you know, in that anointing and remained in the restraints of that anointing. और उसने अपने आप को उसी अभिषेकता में रखा और उसकी रोकों में और रुकावटों में बना रहा. Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे. Many times, बहुत सी बार, there is that provocation.
from the enemy. शत्रु के ओर से एक उस्ताना होता है. कब तक? How long are you to remain like that? और कब तक इस प्रकार से आप रहेंगे? Well, we will remain in that place in Him. हम उस स्थान में रहेंगे उसके साथ. And as we heard from the life of Job, और जैसे अयूब के जीवन से हमने सुना, we are going to be God's answer to the challenges of the evil in God's own wisdom. इस बात को स्मरण करें कि उस शत्रु की चुनौतियों का उत्तर परमेश्वर हमें हमारा प्रयोग करेगा देने के लिए. और वो नाम सफरिंग्स और वो कष्ट और दुख those difficulties, और वो कठिनाइयां दे आर ऑल यू नो इज हियर टू आंसर द चैलेंजेस ऑफ द ईविल इवन इन आवर लाइफ. वो सारी चीजें वहां पर उपस्थित हैं ताकि उस दुष्ट की चुनौतियों को अपने जीवन में हम सामना कर सकें. यू नो देयर इज एन ऑर्डिनरी क्रिश्चियनिटी अराउंड अस और एक साधारण मसीहत हमारी चारों ओर है व्हिच इज ऑलरेडी फेलिंग जो कि पहले से ही नाकाम हो रही है. A need of God of that kind. और उस प्रकार की परमेश्वर की आवश्यकता को कभी पूरा नहीं कर पाएंगी. You know, and many times I felt like this. और बहुत सी बार मैंने ऐसा महसूस किया है. If only the men in leadership realize the need. और यदि केवल जो लोग अगुवाई में हैं, वो इस आवश्यकता को पहचान. They would be honest enough. और वो काफी ईमानदार रहेंगे. And confess to God the need. That they are many times seen within them or among them. परमेश्वर के पास इसका अंगीकार करें कि उस आवश्यकता को उनके बीच में उन्होंने कई बार देखा है. When I converse with many men in responsibility, और जब मैं बातचीत करता हूँ बहुत से लोगों से जो के जिम्मेदारी में है, you know, they do confess the conditions. और वो अंगीकार करते हैं उन परिस्थितियों. They know that it's not going to meet God's need. और वो जानते हैं कि ये परमेश्वर की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता. It's not according to God's desire. और ये परमेश्वर की इच्छा अनुसार भी नहीं है. They are in the low levels. और वो निचली स्तरों में हैं. Though they know that. यद्यपि वो जानते हैं. And they confess it. और इसका अंगीकार भी करते हैं. They do not turn in the right direction. वो सही दिशा की ओर नहीं मुड़ते. You know, that's what I could see. यही मैं देख सका. They say that. वो ये कहते हैं. They confess. इसका अंगीकार करते. Sometimes they even pray about it. और कभी इसके लिए प्रार्थना भी करते हैं. But they don't turn in the right direction. परंतु वो सही दिशा में नहीं मुड़ते. You know, when we turn to the book of Matthew, जब मत्ती की पुस्तक को हम देखते हैं, there's a scripture. वहाँ पर एक वचन है, which we all know very well. हम सब इसको भली-भांति जानते हैं. The book of Matthew, chapter 5. मत्ती की पुस्तक पांचवां अध्याय. You know, these verses are very precious verses. और ये वचन बहुत ही बहुमूल्य है. Matthew 5 and verse 3. मत्ती की पुस्तक पांचवां अध्याय and it says here, blessed are the poor in spirit. For theirs is the kingdom of heaven. धन्य हैं जो हृदय के गरीब हैं क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. और धन्य हैं जो के आत्मा के गरीब हैं क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है. In verse 6 it says, छठा वचन कहता है, Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि उन्हें तृप्त किया जाएगा. Now let me ask you this question. और ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ. He is not God true to His word. क्या परमेश्वर अपने वचन के लिए सच्चा नहीं? He is God not true to His word which is written here. क्या परमेश्वर अपने वचन के लिए सच्चा नहीं जो यहाँ पर लिखा गया है? It cannot be that you are poor in the spirit and you do not see a greater entrance into the kingdom of God. और ऐसा नहीं हो सकता कि यदि आप आत्मा में निर्धन हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में एक महान प्रवेश पा सकेंगे. You know, when you are poor in your spirit and you reckon that and given, you will surely find a greater entrance into the kingdom. It's a reality. और ये वास्तविकता है कि यदि आप अपने आत्मा में गरीब और निर्धन हैं और इस बात को जानते हैं तो आप विश्वसनीय रूप से एक महान प्रवेश उसके राज्य में पाएंगे. You know, it says here, verse 6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. It is God's word. ये परमेश्वर का वचन है कि धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त होंगे. Can God be indifferent?
क्या परमेश्वर के अंदर फर्क हो सकता है? Will the Lord be ever indifferent to His word? क्या परमेश्वर कभी अपने वचन से विभिन्न हो सकता है? Will He not satisfy the hungry? क्या वो भूखों को तृप्त नहीं करेगा? And I want to tell you, और मैं ये कहना चाहता हूँ, God will not be indifferent. परमेश्वर कभी विभिन्न नहीं होगा. You know, and if we say we are hungry and we don't find being filled, it's not because God is not filling. There is something wrong within our status or our possession. और यदि हम कहते हैं कि हम भूखे हैं, yes, और परमेश्वर हमें तृप्त नहीं करता, तो ये परमेश्वर नहीं परंतु ये हमारे जो परिस्थिति है, हमारे में अंदर कोई गलती है, कोई कमी है. Many leaders say like this. और मैंने देखा कि बहुत से अगुवा इस प्रकार से कहते हैं. This is our condition. ये हमारी परिस्थिति है. You know, this is not right. और ये सही नहीं. But the scripture says. परंतु वचन कहता है. If we hunger and thirst after righteousness, He will fill. That is His word. परमेश्वर का वचन है कि अगर वो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, तो परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा. Many of them do not turn to Him in that hunger that He can fill them. परंतु बहुत से लोग उस भूख को लेकर उसकी ओर नहीं मुड़ते कि वो उन्हें तृप्त करे. They are hungry for something of their own. वो भूखे हैं कुछ और वस्तुओं के लिए जो उनकी अपनी. You know, many times it can be so with us. और इस प्रकार से बहुत सी बार हमारे साथ we are hungry, but hungry for that which we like. हम भूखे तो हैं परंतु उन वस्तुओं के भूखे जो हम चाहते हैं. Our appetite is not for what God has for us, but our appetite is for what we like to have for ourselves. और हमारी भूख उन वस्तुओं के लिए नहीं जो परमेश्वर ने रखी हमारे लिए, परंतु हमारी भूख हमारे अपने खुद की वस्तुओं के लिए जो हम चाहते हैं. The word of God says, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, Blessed are they which hunger and thirst after righteousness. धन्य है वो जो के धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं. You know, who would desire after God's righteous ways? जो परमेश्वर के धर्मी मार्गों की इच्छा करेंगे. For that which is upon the heart of God. वो वस्तुएं जो परमेश्वर के हृदय पर है. Well, He will satisfy those hungry. उन भूखों को. My voice rises to God, and I will cry out. My voice rises to God, and He will hear me. He will hear me. And in the day of trouble, I will seek the Lord. And in the night, my hands will reach out to my God. My voice rises to God, and I will cry. My voice rises to God.